हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मोना सूर्यन जी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे लौकी का कोफ्ता बनाने। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आप एक लौकी ले लीजिए। ये इसे मैंने वॉश कर लिया है। इसे हम सबसे पहले इसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे कद्दू क्रश करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो लौकी से छीन ली है और इसे ये अब कद्दू क्रश करने के लिए हमारी लौकी जो है तैयार है। मैंने जो इसमें लौकी ली है फ्रेंड्स, ये 1 kg लौकी ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो लौकी को है कद्दू क्रश कर लिया। अभी मैं इसे अच्छी तरह से जो है इसमें का जो पानी है उसे उस पानी को हम निकाल लेंगे। इस तरह से सांप कड़क हाथों से आप निचोके अच्छी तरह से पानी निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी लौकी है मैंने इसे तैयार कर लिए है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया। अब इसके बाद इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है इसमें 2 स्पून बेसन डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से 3 स्पून आप इसमें बेसन डालिए। मेरी जो लौकी है फ्रेंड्स, ये 1/2 kg लौकी है। यदि आप 1/2 kg लौकी का जो कोफ्ता बनाते हैं तो इसमें 3 स्पून डालिएगा बेसन। साथ में ये कस्तूरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा, साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1 स्पून इसमें जो है हल्दी डालिए। ये और साथ में जो है आप टेस्ट के अनुसार, आपके स्वाद के अनुसार नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारे लौकी जो है इस तरह से अच्छी तरह से आप इसे मिला लीजिएगा और उसके बाद आप इसे एक एक करके रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद जो है इसे फ्रेंड्स इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आप इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी साइज जो है आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं और इन्हें इसी तरह से अच्छी तरह से पूरी तरह से बना लीजिए। साथ ही में फ्रेंड्स इसे, ये जो है फ्रेंड्स, ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेज आँच पर आप ऑयल गर्म होने दीजिए और इन्हें जो अच्छी तरह से पूरे बनाने के बाद धीमी आँच पर इन्हें अच्छी तरह से सेक लीजिए फ्रेंड्स। आप धीमी आँच पर सेकिएगा फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, यदि आप तेज लो पर सेकते हैं तो ये जो है कच्चे रह जाएंगे आपके कोफ्ते और जो बिल्कुल सब्ज़ी में बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे फ्रेंड्स। इसलिए धीमी आँच पर अच्छी तरह से इसे सेकने दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, धीमी आँच पर इसे इसी तरह से अच्छे से पकने दीजिए। ये अच्छी तरह से पक जाने के बाद हैं ये जो हमारे, देखिए फ्रेंड्स, इसे धीमी आँच पर अच्छी तरह से पक जाने दीजिए। ये देखिए इसका आप कलर बता रहा है। यदि आप तेज आँच पर इसे पकाते हैं तो ये जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे कंप्लीट हो चुकी है। जब तक जो है ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर रहे थे। मसाला तैयार करने के लिए इसमें 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च लिए मैंने अदरक का टुकड़ा और 1 इसमें जो है फ्रेंड्स प्याज लिए ये और कुछ लहसुन की करिया लिए। ये अपने ग्रेवी के लिए हम इसे अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कोफ्ते अच्छी तरह से धीमी आंच पर पक चुके हैं। मैंने आप बाहर निकाल लेंगे और ये जो है मसाले के लिए, ग्रेवी के मसाले के लिए जो सामग्री है आप चेक कर लीजिए। इसमें 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, लहसुन की करिया कुछ और 1 टमाटर लिए फ्रेंड्स। इसको हम सभी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मुझे लहसुन बहुत पसंद है फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपनी सारी डिशेज में लहसुन जो है वो अधिक मात्रा में यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इसमें लहसुन की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है। साथ में ही ये टमाटर का पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे जो लौकी के कोफ्ते धीमी आंच पर मैंने अच्छी तरह से इन्हें जो सेक लिए है, ये अंदर बिल्कुल भी कच्चे नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेशे नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। साथ में तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 तेजपान लिए, कस्तूरी मेथी, 1 स्पून राई, आप चाहे तो सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 स्पून मैंने इसमें जीरा लिए फ्रेंड्स। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले जो इसमें हम तेजपान छोड़ेंगे, इसके साथ में हम जीरा छोड़ेंगे फ्रेंड्स और साथ ही में हम इसमें सरसों या राई जो भी आप ले रहे हैं वो छोड़ेंगे। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच घुमाएंगे कस्तूरी मेथी छोड़ी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ में अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया है ये 2 स्पून हमें पेस्ट छोड़ना है फ्रेंड्स। इसमें धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से इसे मैं चम्मच चलाइए, धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए 2 से 3 सेकंड तक। यदि आप 1/2 kg लौकी से ज़्यादा लेते हैं तो इसमें जो है गरम मसाला के पेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। मैंने इसमें 1/2 kg लौकी लिए, इसलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 2 ही स्पून छोड़ा है फ्रेंड्स, 1/4 चम्मच से। जब तक फ्रेंड्स हमारा जो है ये मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट धीमी आंच पर ही हमारा मसाला पक रहा है, तब तक हम ग्रेवी के लिए इसमें अदर मसाला जो है उसकी तैयारी कर लेते हैं।
सबसे पहले इसमें आप एक चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च लीजिए फ्रेंड्स, एक चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च, साथ ही में आधा स्पून जो है धनिया पाउडर, आधा स्पून इसमें हल्दी लीजिए, टेस्ट के अनुसार आप नमक लीजिए फ्रेंड्स में, और साथ में फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर पीसा हुआ लीजिए। इसके बाद इसमें पानी डाल लीजिए, इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं कीजिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मसाला को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यदि आप अदर कोई मसाला आपको बेस्ट लगता है टेस्ट में तो आप इसे जो है इसमें अदर कोई मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ियाँ पसंद ही, और मुझे इन तीन मसालों से जो सब्ज़ियाँ वो परफेक्ट लगती। इसी तरह से हम इसमें चम्मच चलाते रहिए फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम हो चुकी है, तो मैं इसमें एक चम्मच ऑयल और डालूंगी। यदि आप कोई भी मसालेदार चीज़ बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। ऑयल से जो है मसाले की सब्जियों का कलर भी टेस्ट बेस्ट आता है, और साथ में जो है ग्रेवी वाली सब्जी है इसका जो कलर है वो बेस्ट आता है फ्रेंड्स, और टेस्ट लाजवाब होता है। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने जो मसाला बाकी तैयार किया था, ये हम रेड पेस्ट वाला मसाला जो है इसमें धीमी आंच को पकने देंगे। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई मसाला या कोफ्ते जो दोनों चीज़ें यदि आप तलते हैं या भूनते हैं तो आपको धीमी आंच पर ही रखना है। आपको जो गैस है वो मीडियम लो पे ही रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। धीमी आंच पर आप मसालों को अच्छी तरह से भूने पकने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम इसमें चम्मच चलाते रहना, ये हमारा मसाला जो अच्छी तरह से भून रहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप गैस की जो है क्वांटिटी वो बिल्कुल नहीं बढ़ाइए, धीमी मीडियम लो पर ही आप मसाला धीमी आंच पर तैयार कीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें जो हम टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ये हम धीमे इसी में डाल देंगे फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना लाजवाब लजीज टेस्ट लग रहा है, उसमें बहुत प्यारी आ रही है फ्रेंड्स, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को आप फ्रेंड्स घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अधिकांश बच्चे जो है वो लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप लौकी के कोफ्ते बना के बच्चों को खिलाएंगे तो आपके जो बच्चे फ्रेंड्स लौकी के बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारी इसका जो है खुशबू आ रही है, और उसका कलर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम जो कोफ्ते हैं, जो हमारे कोफ्ते तैयार थे, हम कोफ्ते छोड़ देते हैं। कोफ्ते छोड़ने के बाद फ्रेंड्स जो है इसमें मसाले में अच्छी तरह से पकने के लिए इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम धीमी आंच पर ऐसे इस तरह से पकने के लिए रहने देंगे फ्रेंड्स, ताकि जो कोफ्ते का टेस्ट है वो मसाला में अच्छी तरह आ जाए फ्रेंड्स। इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते वो सब मसाले में अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम फ्रेंड्स आधा गिलास पानी छोड़ेंगे। आप यदि ग्रेवी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप 1 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा ग्रेवी सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें आधा गिलास ही पानी जो है छोड़ूंगी फ्रेंड्स। आप इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी आप जो है फ्रेंड्स इसमें 2 से 3 मिनट तक गैस को जो है तेज़ कर दीजिए, और इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे जो कोफ्ते हैं ये तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी लाजवाब है, और एक कोफ्ते पक चुके हैं फ्रेंड्स। इसमें आप चाहे तो ऊपर से एक चुटकी गरम मसाला भी छोड़ सकते हैं, यदि आपको गरम मसाला पसंद है तो। बट बच्चे ज़्यादा गरम मसाला नहीं खाते हैं और बच्चे का डाइजेशन बिगड़ जाता है, इसलिए इसमें मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं फ्रेंड्स हरी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे घर में ट्राई कीजिए, और अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देखिए कितने लाजवाब और लजीज दिख रहा, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।